नमस्कार। रेडल न्यूज से मैं मदन तिवारी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। हम आपको उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। सन 1981-82 के बैच के आप सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर से आपके पुलिस विभाग में आए, उसके बाद आप 2004-2006 में बिहार नरसिंहपुर कोतवाली थाने में TI के रूप में आप यहाँ पर रहे, और उस समय भी बहुत चर्चाओं में एक घटाघाटी एक मामला था, इस मामले में भी आप बहुत चर्चित रहे। वहीं आज वर्तमान में आप SDOP हैं और लगभग 4 साल आपको यहाँ पूर्ण होने को हैं। हम उनका हमारे रेड अलर्ट स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। काफी लंबा समय नरसिंहपुर जिले में आपने गुजारा, क्या लगता है नरसिंहपुर जिले में ऐसी क्या बात है कि आप नरसिंहपुर जिले को नहीं छोड़ पाए, और नरसिंहपुर से एक आपकी जो है कहीं ना कहीं पुनः है बार बार आने की और यहाँ पर कार्य करने की आपकी इच्छा बनी रही। नरसिंहपुर जिले की पोस्टिंग का जहां तक सवाल है, हमारी SDOP के पद पर जब DSP बन जाते हैं तो पोस्टिंग गवर्नमेंट की तरफ से होती है। इसके पूर्व में एक बार 2004-05 में 2 साल के लगभग इस जिले में रहा हूं। वर्किंग हमारी, चूंकि हमारा सब डिवीजन है, हमारे DIG का रेंज है, ये हमारे IGP का जोन है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टिंग होती है और जहां भी पोस्टिंग होती है हम लोग वहां जाके काम करते हैं और अपना पूरा योगदान करते हैं। सर, 2004 में हीरागासी घाटी का जो मामला है, बहुत चर्चित मामला है, कहीं ना कहीं उस मामले की चर्चाएं आज भी जहन में बाकी हैं। क्या था वो नजारा, क्या थे वो मामले और क्या उस समय आपने सिंगे में कार्रवाई की? वो बात को याद करके बड़ा गर्व होता है। जब मैं यहाँ SDOP के पद पर आया तो लोगों ने मुझसे, जो लोग मुझे पहचानते थे वो तो नाम से जानते थे, अन्यथा लोगों ने एक दूसरे से कहना चालू किया कि वो हीरा घाटी वाले साहब है, तो सुनकर बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। वो घटना ही इस प्रकार की थी कि एक गैंग था, बहुत खतरनाक गैंग था मेरठ का। उस गैंग ने एक काफी दिनों तक के फॉलो करने के बाद में एक व्यापारी को पकड़ा, सागर के एक व्यापारी को। उनके पास से काफी मात्रा में चांदी और नकदी उन्होंने उनसे पकड़ा, उनका किडनैप कर लिया। किडनैप करने के उपरांत सुआतला थाने के अंतर्गत जो हीरा घाटी है, तेंदुगढ़ा और सुआतला के पास में, वहां एक व्यक्ति का मर्डर करके उसको छोड़ दिया वहां पे, और वो पूरा प्रॉपर्टी लेके भागे। वहां से भागने के बाद वो सुआतला थाना क्रॉप किया उन्होंने, तेंदुगढ़ा क्रॉप किया, करेली थाना क्रॉप किया, और करेली का जो रेलवे फाटक है उसको उन्होंने तोड़ दिया। जैसे ही हम लोग पता पड़ा तो हम सुबह सुबह का वक्त था, 10-11-12 बजे का, हम लोग अपने सीमित जितना बल हमारा उपलब्ध था हमने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाके उन पर अटैक किया, और इस बात का पूरा नरसिंहपुर जिला, नरसिंहपुर शहर गवाह है कि हमने अच्छे जम के फायरिंग की और उनको, उसमें एक व्यक्ति को जीवित पकड़ लिया। वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, लगभग उस समय 80 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो कई गाड़ियों के फाक में हमने बरामद कर लिया। आज भी गाड़ियां उनकी यहाँ खड़ी है हमारे कोतवाली थाने में, और ये रियली वो बहुत प्राइड मोमेंट था, बहुत अच्छा लगता है उस बात को याद करके। और उसमें फिर जो आरोपीगण थे उनको सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। सर, आप वर्तमान में यदि अपन बात करते हैं तो आप SDO का पदभार ग्रहण करे हुए, लगभग 4 वर्ष का आपका कार्यकाल नरसिंहपुर में पुनः हो चुका है, क्या महसूस कर रहे हैं आप नरसिंहपुर के का जो वर्तमान परिवेश है, परिस्थितियां हैं, या पुलिस की जो मतलब पुलिस और आम जनता के बीच का जो गैप था, एक दहशत थी, एक भय का माहौल हुआ करता था, आज उसमें क्या देख पा रहे हैं, मतलब कल की पुलिस और आज की पुलिसिंग में क्या अंतर समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लगभग 35 वर्ष से इस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, और जब हम शुरू में आए थे इस डिपार्टमेंट में, जो परिस्थितियां पहले थी, जो जनता के पुलिस से जो संबंध है वो गहरी खाई थी, और वो खाई बहुत बहुत ये कहा जाए कि काफी सीमा तक वो खाई पड़ गई। आज मानवाधिकार आयोग का जमाना, मानवाधिकारों की संरक्षण की बात भी चलती है, इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग की भी बात होती है। हमारे अधिकारीगणों ने, जो हमारे IG DIG और DGP रैंक के बड़े बड़े अफसर हैं, उन लोगों ने तमाम प्रशिक्षण यहाँ छोटे लेवल तक के, कॉन्स्टेबलरी लेवल तक के अच्छे प्रशिक्षण उन्होंने इंस्टीट्यूशन में भी और प्रत्येक जिले में भी ऐसे प्रशिक्षण हो रहे हैं। तो ये कहा जाना बिल्कुल ये अतिशयोक्ति नहीं है कि पुलिस और जनता के बीच की खाई पड़ गई है। अब बहुत आसानी से लोग पुलिस के, जहां पुलिस के कर्मचारी को, पुलिस के अधिकारी को, पुलिस के थानेदार को, मैं खुद उस समय जब सब इंस्पेक्टर था और मोटरसाइकिल से निकलता था तो मुझे लगता था कि कुछ लोग दाएं बाएं हो रहे मुझे देख के, लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर हम निकलते हैं किसी चौराहे पर खड़े होते हैं तो अच्छे सबरांत लोग भी हमसे आगे मिलना चाहते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है कि पुलिस की प्रति लोगों, पुलिस की इमेज में काफी सुधार हुआ है। ये नहीं कहना चाहूंगा मैं कि बहुत एकदम सुधार, तमाम सुधार हो गया, अभी भी गुंजाइश है,
लेकिन लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और उस विश्वास के कारण ही का कारण ये है कि हमें तमाम जगह सदैव मिलता है। और ये उदाहरण है कि मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, आपने मुझे आज यहाँ आपके समक्ष बातचीत करने का ऑफर दिया, इस बात का प्रमाण है कि पुलिस के प्रति चाहे वो मीडिया के का जो हमारा चौथा स्तंभ है उसकी बात हो या अन्य संभ्रांत लोग हो, उनके विचार हमारे प्रति थोड़े अच्छे हुए हैं और उसका हमें बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सर वही दूसरी बात है जब देशभक्ति जन सेवा का संकल्प लेकर एक पुलिस कर्मचारी निकलता है, वर्तमान जो परिवेश है बदलाव आए हैं, खाई दूर हुई, आपने भी बोला ये बात बिल्कुल सच है कहीं ना कहीं, लेकिन इस बात में लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे पहले कहावत चला करती थी कि भय बिन होए ना प्रीत, तो कहीं ना कहीं कुछ जो खौफ होना था वो खौफ खत्म होने से आपराधिक प्रवृत्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ते चली जा रही है, इसके लिए क्या हो सकता है? नहीं, कानून का हम लोगों को तो ये राइट फ्रॉम बिगनिंग हमारे इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से ये सिखाया जाता है कि हमें कानून का अक्षरशः पालन करना है। कानून इतना लचीला और इतना कमजोर नहीं है जितना चर्चा का विषय है, कानून में काफी शक्ति है। आप देखिए चाहे 323 का प्रकरण हो छोटे से छोटा या 302 का गंभीरतम प्रकरण हो, अगर मानव शरीर से संबंधित अपराधों की बात करें उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिसने जैसा अपराध किया उसको वैसा दंड मिलेगा। तो ये कहना थोड़ा सा मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ये कहा जाए कि लोगों में भय कम हुआ, संभ्रांत लोगों में वो भय कम हो गया, जो लोग पुलिस को देख के पुलिस के पास नहीं आना चाहते थे उन्होंने पुलिस के पास आना चालू किया, हमसे संवाद करना चालू किया, हमारी बैठकों में आते हैं, जैसा मैंने कम्युनिटी पुलिस का जिक्र किया वो लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाकर न केवल लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्थाओं में हमारा साथ देते हैं अपितु वो हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, कई बार हम उनके घरों में जाते हैं चाय के लिए, हमारे अधिकारियों को भी आदेश है कि हम संभ्रांत लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन जहां तक खौफ खत्म होने का सवाल है कि गुंडों बदमाशों में खौफ खत्म हुआ, तो मैं नहीं मानता इसको। आज भी मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं अपने व्यक्तिगत रूप से कि आज भी मैं किसी गुंडे से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी हैं जो कानून का पालन करने में पीछे नहीं हटते हैं और गुंडों में उनका पर्याप्त कानून का भय व्याप्त है। सर राजनीतिकरण के जमाने में कितनी कठिनाइयों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है? देखिए लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो नुमाइंदे हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के, उनके पास लोग अपनी गुहार लेके जाते हैं, अपना निवेदन लेके जाते हैं, ये उनके कर्तव्य में शुमार है कि वो उन लोगों की जो उनके पास जाता है पीड़ित पक्ष उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें। और वो इस प्रकार की कई बार हमसे वार्तालाप होता है, उनका बातचीत होती है कि वो इसकी मदद की जाए उसकी मदद की जाए, और अगर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो ये बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी बात है, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राजनीतिक लोग इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो सही। और फिर मुझे लगता नहीं कि इतना कभी मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ हो कि अनावश्यक की या जबरदस्ती किसी राजनीतिक व्यक्ति ने दबाव दिया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक प्रॉपर स्पेस देने का भी प्रश्न है कि आपने कितना स्पेस किसको दे रखा है, और वो राजनीतिक व्यक्ति जो आपको फोन कर रहे हैं, जो आपसे किसी पीड़ित पक्ष की या किसी अन्य किसी व्यक्ति की इमदाद के लिए उसकी सहायता के लिए कह रहे हैं, तो कितना वजनदार व्यक्ति, ये भी मायने रखता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा निसंकोच होकर कि मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे 35 साल के कार्यकाल में कि मुझे किसी एक्यूज को, किसी गंभीर अपराध के आरोपी को या किसी आरोपी को जो गैर जमानती जो उनका अपराध नॉन वेलेबल ऑफेंस उसने किया है और किसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण मुझे उसको छोड़ना पड़ा। सर दूसरी ओर यदि अपन जाते हैं तो नरसिंहपुर में इस समय सोशल मीडिया का जबरदस्त माहौल आप भी देख रहे हैं, इस माहौल में कहीं ना कहीं पुलिसिंग को लेकर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी जबरदस्त प्रहार है, कहीं ना कहीं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक श्रेणी को बढ़ावा दे रहे हैं, या जी कहीं की सामाजिक बुराइयों को मतलब बखूबी ढंग से चला पा रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सुसुप्त नजर आ रही, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, ये बहुत मतलब ये कहा जाए कि एकदम सर्वविदित बात है कि आज एक मामूली सा की इनकम वाला व्यक्ति भी, एक हमारा रिक्शा चालक भाई भी अपने पास मोबाइल रखता है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सोशल एप्लीकेशन हैं, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, इन सबका उपयोग करते हैं, वो सहज ही करते हैं। हमने तो कई बार सेमिनार्स किए इस बात को लेकर, कॉलेजेस में स्कूल्स में जाकर बच्चों को बताया
स्टूडेंट्स को बताया और आम लोगों को अवगत कराया कि वो उसका उपयोग करने में कितनी सतर्कता बरत सकते हैं। निश्चित रूप से इन सोशल मीडिया की सोशल जो साइट्स हैं इनकी इनकी इनके उपयोग करने में सतर्कता बरतना चाहिए। अब रहा सवाल पुलिस का कि पुलिस उस पर कितनी कार्रवाई करती है, इसके कॉम्प्लिकेटेड है। निश्चित रूप से जो आईटी एक्ट है उसके प्रावधान है अलग से, इसको हमको ये फिर व्हाट्सएप का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, कभी फेसबुक का रिकॉर्ड अगर मिलता हमें एक्यूज तक पहुंचना होता है तो कैलिफोर्निया से हमको मंगवाना पड़ता। अभी हाल ही में हमने करली के एक प्रकरण में कैलिफोर्निया से रिपोर्ट मंगवाई, 1914 का प्रकरण था वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा जो पीड़ित पक्ष है उसमें, लेकिन हमने उसके एक्यूज तक पहुंचे हम, कैलिफोर्निया से हमको जानकारी मिली। उसके बाद में हमने सीडीआर निकलवाया उसका, सीडीआर से सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी निकलवा के उसके कैप में हमने जो जो एप्लीकेशन फॉर्म है कस्टमर का उसके आधार पर हम उसके बाद पहुंचे। और बहुत ही आश्चर्य और ताज्जुब का विषय है कि जो व्यक्ति फेसबुक में इस प्रकार की पोस्ट अनर्गल प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री डाल रहा था वो पीड़ित पक्ष के घर के ठीक नीचे रहता था। तो ये हम देरी जरूर हो रही है इन प्रकार, लेकिन हम निस्सहाय नहीं, हम लोग अपने हमारा जो साइबर सेल है ये तो बहुत प्रशंसा का विषय है कि नरसिंहपुर जिले का साइबर सेल भले ही छोटा है किंतु एक्टिव है, बहुत ही उसने शानदार काम किए। आप देखिए गाड़ावाड़ा की कितनी बड़ी घटना, 1 करोड़ से ज्यादा की बरामद की। उसके अलावा आप देखिए इसी मुहर्रम और आपके नवरात्रि के समय पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ये समझा जा रहा था कि क्या किस प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसी सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे फाइबर सेल के माध्यम से हम एक्टिविस्ट तक पहुंचे, अपराधी तक पहुंचे और दोनों ये दोनों तीनों त्यौहार निर्विवाद रूप से संपन्न हुए, बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुए। तो हम फाइबर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहा जाए कि हम लोग काफी बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है लेकिन सशक्त हैं। सर बात ये लेके आ रही कहीं ना कहीं जैसे कुछ युवा सट्टा या अन्य ऐसे कोई मादक पदार्थ की बिक्री का जो मामला चल रहा है इसको लेके पुलिस को बार बार कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठ रहे हैं समाज की दृष्टि से, तो आखिर क्यों पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती? बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है। कुछ सोशल क्राइम ऐसे हैं जिनको, जैसे मान लीजिए स्मैक की बात करें, स्मैक हम दुर्भाग्यवश हमारा जिला काफी पीड़ित था इसमें, कई गांव आसपास के चाहे कोतवाली क्षेत्र के हों या करेली क्षेत्र के गांव हों, तेंदुखेड़ा और सुअतला के जो गांव थे उसमें कई लोग उससे पीड़ित थे। हमने तमाम कैंप चलाए, आप लोगों ने भी हमारे मीडिया ने भी बहुत सहयोग किया, हम लोगों ने तमाम कैंप लगाए, कई सेमिनार्स किए, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों उसमें लोगों ने सपना भागीदारी उसमें की और फिर उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट ड्रग्स भी दिलवाए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट कराया और स्मैक का उन्मूलन कर नया गांव जैसी जगह में, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि 90% से ज्यादा उन्मूलन होगा वहां। इसी प्रकार करली क्षेत्र में भी कुछ गांव थे वहां भी उन्मूलन के काफी प्रयास किए गए। इवन हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने भी फहर्ष उसमें उपस्थित होकर अपनी भागीदारी दी, बल्कि ये कहा जाए कि हमको मार्गदर्शन दिया उन्होंने और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने काफी हद तक इसका उन्मूलन कर लिया। सट्टा जुआ की यहां तक बात है, सट्टा और जुआ के जितने भी मामले हैं सबकी सब अवेलेबल ऑफेंस है, सब में हमें जमानत लेने के लिए हम बाध्य हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारा कानून गैम्बलिंग एक्ट का या एक्साइज एक्ट का कानून कमजोर है, 34(2) के प्रकरण हमने बनाए जिसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, 49A अमेंडमेंट एक्साइज एक्ट के मामले बनाए हमने वो नॉन अवेलेबल है, स्मैक का हमने बताई दिया आपको, एनडीपीएस एक्ट के कई मामले हम लोगों ने बनाए वो सबकी सब नॉन अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त हमने 110 सीआरपीसी में अभ्यास अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की, हमने एक्सटर्नेशन के मामले किए जिला बदर के अंतर्गत और हमारे कलेक्टर महोदय ने कई लोगों को जिला बदल किया पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुशंसा पर। तो ये सोशल क्राइम तो है अपने यहाँ जगह हो रहा है, ये भी चूंकि वो इस प्रकार के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है कि वो आम लोगों में घुलते मिलते रहते लोग, तो इसका प्रचार दुष्प्रचार होता रहता है, पर हमने कार्रवाई भी की है और आप आंकड़े उठा के देखिए, हम आपको फिगर दिखा देंगे कि हमारी कार्रवाई पिछले कई वर्षों की कार्रवाइयों से कई गुना ज्यादा है। तो हम इसमें भी इस बिंदु पे भी सफल हुए, उसका 100% उन्मूलन नहीं कर पाए ये मैं स्वीकार करूं। सर वही रूल क्या युवा जो वर्ग है आप देख रहे हैं नशे में, क्योंकि आपने काफी लंबे समय आपने नशा शिविर नवा मुक्ति वाले कैंप भी आपके द्वारा लगाए, लेकिन सबसे जो उसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि आप देखो युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद होते चली जा रही है। यदि अपन बात करें तो नए गांव की बात कर लें कि जहां पर मुख्यमंत्री जी नई नशा मुक्ति का प्रदेश से प्रारंभ किया, लेकिन आज उसके बाद कंडीशन ये है कि नशा जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा, नशे से परिवार के परिवार तबाह होते चले जा रहे हैं, तो आखिर इसके सरगना तक क्यों नहीं पहुंच पा रही पुलिस?
ये भी एक बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, नशा मुक्ति शिविर हमने चलाया, जो लोग इसमें बेचते थे उन लोगों को पकड़ा हमने, उन पर कार्रवाई की, जो लोग इसमें पीते हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई की, उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर उनको उन्मूलन के लिए उनको सब्स्टिट्यूट ड्रग्स भी दिलवाए गए, उनके सरगनाओं तक पहुंचने का जहां तक सवाल है, तब एक बड़ा कन्फाइनमेंट पकड़ा हमने करेली में और हम वहां तक पहुंचे, उसके सरगना को हमने पकड़ा। अब एक दो लोग और हैं एफए जो हमारे इस इलाके में स्मैक का सप्लाई करता है या गांजा बेचते हैं, गांजे की भी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी हम लोगों ने, आपने देखा गाड़ियां पकड़ी हमने, कारें पकड़ी, जो ऐसी लग्जरी वैन पकड़ी जिनको चेक करने के लिए पुलिस का छोटा अन्ना अधिकारी एक बार सोचता है कि क्या ये वाहन जो इतना लग्जरी वाहन है, इतना हाईटेक वाहन है, क्या इसमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही होगी, किंतु उसमें बड़ा बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा गया और उनके फरगना तक पहुंचने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी हम उसी प्रकार से सीडीआर निकाल रहे हैं, पीएफटीएन डंप निकाल रहे हैं और कैफ और इसके माध्यम से फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी के हिसाब से हम लोग पहुंच रहे हैं उन पे और उनके सरगना को भी पकड़ा जाएगा, उन पे वो बिल्कुल ये बात ये समझ लें कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, वो पकड़े जाएंगे निश्चित रूप से। वहीं दूसरी तरफ अपन देख रहे हैं कि नरसिंहपुर की जो यातायात व्यवस्था है वो चरमराते चली जा रही है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, आप देख रहे हैं कि यदि पुलिसिंग जो की जा रही है तो चालानी कार्रवाई तक समट के रह जा रही है, आप देख सकते हैं जो जितने भी व्यापारी हैं प्रतिष्ठान के सामने ही वाहन खड़ा करते हैं, खुद का भी और अपने ग्राहकों का भी, उसके कारण जो मुख्य मार्ग है नरसिंहपुर के मुख्य मार्ग है, मध्य मार्ग है, बाहरी रोड है, चलिए बाहरी रोड की तो बात ये कर सकते हैं कि वहां मॉडल रोड बन गया, बड़ा चौड़ा रोड हो गया तो थोड़ा बहुत वर्तमान हालात ठीक है, लेकिन मध्य मार्ग और मूल मार्ग है मुख्य मार्ग है, इन दोनों के हालात बहुत भयावह है, तो इसमें पुलिसिंग क्यों पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही और क्या एक संयुक्त दल बन के पीडब्ल्यूडी है, नगर पालिका है, पुलिस मिलकर कोई ऐसा अभियान नहीं चला सकती जिसके कारण की यातायात का जो प्रभावित हो रहा है उसको सुधारा जा सके। देखिए जहां तक यातायात का सवाल है, हमें मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और सब ये स्वीकार तथ्य है कि किसी भी शहर की, किसी भी जिले की, किसी भी प्रांत के विकास की अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, वहां का शिक्षा किस प्रकार की है और उसका वहां का यातायात किस प्रकार का है, तो स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षाओं को देखने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है, लेकिन यातायात तो 100% लोगों की नजरों में गुजरता है। अब हमारे पास समस्या क्या है यातायात, हमारे पास में केवल तीन मार्ग हैं नरसिंहपुर से बाहर निकलने के, डेंसली पॉपुलेटेड हमारा शहर है, काफी सघन बस्तियां हैं, मेन रोड जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पर प्रतिष्ठान भी है और लोगों के आवास भी है, जहां प्रतिष्ठान है लोगों की वो टंगना टांग के रखे हुए बाहर 133 का बिल्कुल पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, वो उस पब्लिक न्यूसेंस की वजह से भी यातायात बाधित होता है। बाहरी रोड का जैसा आपने बताया, मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया को, पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पीछे पड़ पड़ के और राजनीतिक लोगों ने का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ और एक बाहरी रोड ने एक अच्छा स्वरूप ले लिया। आने वाले दिनों में मैं देख रहा था कि फुटपाथ पे फेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं, वहां भी काफी अच्छा हो जाएगा वो, और वो जहां जैसे हम एंट्री करते हैं खमतरा गेट से जहां लिखा हुआ मुस्कुराइए आप नरसिंहपुर में, वास्तव में एक समय ऐसा आएगा रोड के मामले में बाहरी रोड को लेके कि आपको वास्तव में मुस्कुराना पड़ेगा कि नरसिंहपुर की रोड कितनी अच्छी। रहा सवाल मध्य रोड का और मेन रोड का, जो बीच की रोड मेन रोड है, मेन रोड पर हमने वन वे ट्रैफिक किया है, अभी वन वे ट्रैफिक की वजह से काफी धनात्मक उसके परिणाम मिले हैं, लेकिन यही एक समस्या है कि वो मेन मार्ग पर ही प्रतिष्ठान है बहुत सारे, आवास ग्रह लोगों के, तो वहां समस्या बनी रहती है। उसमें पार्किंग की भी एक समस्या, वाहनों की वजह से जो ट्रैफिक जैम होता है बार बार, वो पार्किंग नहीं प्रॉपर होता। अब हम ये करें कि किसी को सुभाष चौक पर रुकवा दें या प्रेम स्टूडियो के पास रुकवा दें और उनसे कहें कि अब यहां से पैदल चले जाओ, या हरिराम धर्मशाला के पास में रुकवा के लोगों को पैदल, तो वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होता है। तो हमने उसको वन वे किया है और ये ट्रैफिक की समस्या का निदान तो थोड़ा टाइम लेगा, तब तक जब तक कि व्यापारी लोग स्वयं अपने प्रतिष्ठानों को वे बाहर सामग्री रखना बंद नहीं करेंगे, नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी इस बात के लिए उनको सख्ती से पेश आना पड़ेगा कि जो भी इस प्रकार की उनका व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 283 आईपीसी के प्रकरण भी बहुत अवेलेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल प्लस आर्थिक दंड से दंडनीय अपराध है, 34 पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सब इस प्रकार के अपराध है जो जिनका जिनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पा रहा, किंतु हमारे इस बीच में हमारा ये उद्देश्य भी रहता है कि हमारी ट्रैफिक के प्रति सख्ती, यातायात को का पालन कराने के प्रति सख्ती के कारण आम जनता को परेशानी ना, इस बात को भी मद्देनजर रखें, लेकिन यातायात की समस्या है, स्वीकार है और इसकी समस्या का निजात भी होगा धीरे धीरे और एक समय ऐसा आएगा कि हम अच्छे यातायात व्यवस्थाएं कर पाएंगे।
सर पुलिसिंग की यदि बात करें तो जब इलेक्शन का समय होता है या अन्य कोई ऐसा पीरियड होता है कि बड़े कोई आयोजन है तो पुलिसिंग होती है, पद जिसको अपन कह सके पुलिस मार्च होता है शहर के अंदर, तो क्या यातायात व्यवस्था को सुचारू और जन जागृति के दृष्टिकोण से क्या पुलिसिंग इस प्रकार से नहीं हो सकती है कि पुलिस जो है पैदल मार्च करके एक जो कर्मचारी या जो अपन जी कहें कि व्यापारी जो है उनकी लिस्टिंग करें, उन्हें निर्देशित करें, उन्हें समझाइश दे और उनका जो सामान है वो व्यवस्थित कराए, अलग कराए, क्या होता है कुछ समय तो होता है नगर पालिका करती है, तोड़ के सामान ले जाती, पुनः लगा लिया जाती, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है जब मैंने उस मामले को पूरा गंभीरता से समीक्षा की तो उसमें अकेली पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, अकेली नगर पालिका कुछ नहीं कर पाएगी, उसमें तीनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए है, नगर पालिका पुलिस प्लस पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की भी जगह वहां पर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यदि पीडब्ल्यूडी पुलिस और नगर पालिका का एक संयुक्त दल बन के और एक सक्रियता से जन जागृति के रूप में यदि उस कार्य को करें तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम नरसिंहपुर को मिलेंगे। आपका आपका पोजिशन बिल्कुल सही है, हम जब त्योहारों के टाइम पर फ्लैग मार्च करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको त्योहार में किसी प्रकार की भय आपके दिलो दिमाग में व्याप्त नहीं होना चाहिए, हम इतने सारे लोग आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं, तो उसका एक उत्साह का संचार होता लोगों में। इसी प्रकार अगर फ्लैग मार्च करके हम यातायात के क्या भी लोगों को एजुकेशन दें, उनको टीच करें कि किस प्रकार की यातायात की व्यवस्था रहना चाहिए, तो उसके धनात्मक परिणाम आएंगे। यातायात सप्ताह हम लोग मनाते हैं, कई बार सेमिनार करते हैं, कई बार हम लोग रैलियां निकालते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर होना चाहिए। ये आपका सजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हम अमल करेंगे और अब ये कोशिश भी की जाएगी कि ट्रैफिक के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स का बल भी, थानों का बल भी उनके साथ में फ्लैग मार्च करें और लोगों में जागृति उत्पन्न करें, इस प्रकार किया जाएगा। सर आज जो पुलिस के हालात हैं और जब आपकी भर्ती हुई थी, अपन 35 वर्ष पुराने पे जाते हैं, वर्तमान पे जाते हैं, अब कहीं ना कहीं काफी कम समय है आपको भी निवृत्तमान होने में, तो इन सब के दौर में मतलब ऐसा कोई आपको समय या ऐसा कोई स्मृति आपके दिमाग में हो जो आप जनता को बताना चाहते आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर? बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम हुए, बड़े ये कहा जाए कि मील के पत्थर जैसे कार्य हुए। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा पुलिस अधिकारियों से, जो अगर हमारे साथी हैं पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उनको हमेशा मानव अधिकार की बात को दिमाग में रखना चाहिए, सज्जनों को परित्राणाय फादुनाम विनाशाय से दुष्टताम का उनका वो होना चाहिए, मोटो होना चाहिए, देशभक्ति जनसेवा हमारा नारा है ही, और हम अगर फादु लोगों को जो परित्राणाय फादुनाम विनाशाय से दुष्टताम वाली बात अगर हमारे दिमाग में रहेगी और जो सज्जन पुरुष हैं, जो भद्र पुरुष हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी उनके प्रति हमारी संवेदना रहेगी और दुष्टों का विनाशाय से दुष्टताम, इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि हम बल प्रयोग करें लेकिन कानूनी तौर से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे धनात्मक परिणाम होंगे। 35 वर्ष की एक कार्यकाल में इतने दीर्घ सेवा करते हुए एक भी ऑफर ऐसा नहीं आया, और इस बात के का मैं मुझे कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि कभी हम बैकफुट पर भी नहीं गए, हमने कभी बैकफुट पर जाके भी ये नहीं कोशिश की या कहीं हमको किसी से अपने किसी कार्रवाई पर क्षमा याचना का या शर्मिंदा होने का ऑफर भी नहीं मिला, और हमने बड़े अच्छे तरीके से कानून का पालन कराया लोगों से। कितने सफल हुए कितने सफल नहीं हुए ये तो इतिहास ही बताएगा और हमारे साथी बताएंगे, लेकिन मैं पूर्ण रूप में संतुष्ट हूं। मैं ये कह सकता हूं कि एक नहीं कई ऐसे संस्मरण हैं जिसमें चाहे कानून व्यवस्था की ड्यूटी हो, चाहे वो लाइन ऑर्डर की ड्यूटी रही हो, चाहे वो कभी कभी कम्युनल टेंशन के का मामले रहे हों, जबलपुर में मैंने बड़ी दीर्घ सेवा की, 26-25 साल उस जिले में नाम है, तो ये सब बातें इतनी इतनी बेहतरीन है कि मुझे लगता है कि अगर कोई रिबर्थ और पुनर्जन्म की बात को मानते हैं हम लोग हमारी माइथोलॉजी का ही, और पुनर्जन्म अगर होता है मैं तो चाहूंगा कि एक बार और पुलिस ना होगा। लेकिन सब चर्चा में व्याप्त हैं, काफी कम समय आपको बचा हुआ है निवृत्तमान होने में, वहीं दूसरी बात है कि जबरदस्त चर्चा है जबलपुर से निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो पुलिस सेवा करते करते अब आप जब निवृत्तमान होंगे तो आप कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आप राजनीतिक पटल पर भी आप हिस्सेदारी रखेंगे, कितना सच है और क्या मान के चले कि एक एसडीओपी एक पुलिस का सेवक क्या राजनीति में भी जनता के साथ सेवा के लिए अग्रसर होगा? नहीं, ये तो बहुत हर्ष का विषय है कि पुलिस जैसी नौकरी करने में, और जिस लेवल की नौकरी मैंने की, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी, तो इस लेवल के लोगों को पसंद करते बहुत बहुत कम लोगों को लोकप्रियता मिल पाती है। अगर मेरे बारे में लोग ऐसा कहते हैं
तो मैं मुझे बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ कि लोग मुझे, मतलब मैं लोकप्रिय लोगों में, लोग के चाहते हैं कि मैं राजनीति में हूँ। तो मैं तो चाह समझता हूँ कि चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हर व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं राजनीति है। राजनीति कैसी राजनीति, कि हमारा शहर बहुत अच्छा हो, हमारा प्रांत बहुत अच्छा हो, हमारा देश बहुत अच्छा हो, चाहे वो चाइना के बॉर्डर पे कोई समस्या हो रही हो, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई समस्या हो रही हो, चाहे इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम सबका दिल कहने लगता है कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये राजनीति। हम राज्य की नीतियों के बारे में अगर विचार करने लगते हैं तो ये राजनीति है। अब उसके लिए कोई सिंबल मिल जाए, किसी पार्टी से आदमी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कोई चुनाव लड़ ले, ये अलग बात है। ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई सब बात है, और देखते हैं क्या होता है रिटायर्ड होने के बाद में, क्या अवसर मिलता है, क्या कर पाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जनता की सेवा की जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को सहायता करने की कोशिश की जाएगी। मैंने यही अपनी पुलिस की नौकरी में भी किया कि लोगों की मदद की, अच्छा उनको अच्छे से अच्छे उनको सलाह दी, कानून की मदद की उनको। ऐसा ही मैं अपने पूरे शेष जीवन काल में भी करना चाहता हूँ। सर, रिटायरमेंट का जो कार्यकाल होता है, जो पीरियड होता है, कहीं ना कहीं उसमें हतोत्साहितता चेहरे पर दिखती है, और मुझे लगता है एक डेढ़ साल पहले से देखने लगती है। लेकिन जो हम लोग आकलन कर पा रहे हैं, जो हम समीक्षा कर रहे हैं, उसमें आप में और निखार आते चला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बातें निकल के मार्केट में है, चर्चाएं हैं, और तो मतलब ये माना जाए कहीं ना कहीं राजनीति में पदार्पण होगा आपका। मैंने जैसे बताया आपको कि भविष्य बताएगा, लेकिन ये बात सही है कि मुझे, मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं हूँ इस बात से लेकर कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ। इस बात का मैं फक्र महसूस करता हूँ, मुझे अभिमान होता है कि मैंने अच्छे से नौकरी की है। हाँ, अब ये जरूर है कि आप जैसे आज की तारीख से देख लीजिए, मुझे लगता है कि डेढ़ महीने बाद में रिटायर्ड हो जाऊंगा। लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि अब आप क्या करोगे इसके बाद में, रिटायर्ड होने के बाद में आपका क्या कार्यकाल रहेगा। या जब कोई ये कहता है कि अरे नहीं दो यार, अभी तो साहब तो रिटायर्ड होने वाले, तब सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है। किंतु मैं कहीं ना कहीं से भी हतोत्साहित नहीं हूँ। निश्चित रूप से मैं हाथ पे हाथ रख के धर के बैठने वाला नहीं हूँ। कुछ ना कुछ करूंगा ऐसा काम जो समाज के हित में होगा, जिससे लोग लाभान्वित हों। और ये कहता ना, कहा जाता ना कि सेकंड इनिंग बाकी है, तो अभी देखिए सेकंड इनिंग बाकी है। तो क्या माना जाए सर, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेंगे या कांग्रेस से? नहीं, ऐसा नहीं है कि कौन सी पार्टी में टिकट लेंगे। हमारी देखते कहाँ स्वीकार्यता होती है और क्या करने का अवसर मिलता है, देखा जाए। तो ये बिल्कुल टिकट 100% जो चर्चा है सुर्खियों में है, सोशल मीडिया में इसका बवाल मचा हुआ है, तो ये बिल्कुल माना जाए कहीं ना कहीं कि ये आपकी तरफ से हरी झंडी है। नहीं, तो प्री मैच्योर्ड बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे ये पढ़ के मुझे आनंद आता है। और जो लोग ऐसा लिखते हैं उनसे मैं कहता हूँ करबद्ध कि भाई अगर नौकरी कर लेंगे, मुझे सरकारी नौकरी कर रहा हूँ मैं। सरकारी नौकरी करना एक अलग विषय है और राजनीति करना अलग विषय है। तो मैं तो 31 अगस्त के रात के 11:59 तक के शासकीय कर्मचारी रहूंगा, और जब 11:12 जाएंगे या 11:60 हो जाएंगे, तब मैं सोचूंगा कि मैं पुलिस की नौकरी से निवृत्त हुआ। तो उसके बाद विचार करेंगे और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोगों से मार्गदर्शन लेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। तो ये बिल्कुल फैक्ट माना जाए कि एक पुलिस अधिकारी, जैसे कोई राजनेता आता था सुरक्षा के लिए खड़ा होता था, सल्यूट मारते हुए उनकी सेवाओं के लिए पुलिस तत्पर रहती थी, तो आने वाला जो समय है उसमें एक पुलिस अधिकारी है, उसके सामने भी कोई उनके ही कोई बड़े पुलिस अधिकारी सेवा भाव से खड़े रहे। अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी इस प्रकार की बातें करना, कपोल कल्पित बातें हैं, कि नहीं करना चाहूंगा मैं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि देखते हैं क्या भविष्य के दफ्तर में क्या छुपा है, क्या ईश्वर की इच्छा है, क्या ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलता है। जैसे सर, जल अपन बात करें जल संवर्धन को लेकर और पर्यावरण को लेकर, तो बहुत चिंतनीय विषय है, वो गंभीर मैटर है। इस बात को लेके आज मीडिया भी चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है, राजनीतिक दल भी चिंतित है आने वाला वक्त, क्योंकि भविष्यवाणी भी है कि जल के लिए विशुद्ध होना, तो बहुत बड़ी संकट कार्यकाल का एक कार्य चल रहा है इस समय। तो जैसे कि नरसिंहपुर में कार्य प्रारंभ हुआ, यहाँ एक सिंकरी नदी है, उस नदी वो 27 किलोमीटर की रेंज में प्रवाहित होती है। उस प्रवाहित नदी का जो स्वरूप है, मतलब ये कहें कि उपेक्षा के चलते, जनजागृति ना होने के चलते, कुछ लोगों ने स्वार्थवश उसमें कब्जा कर रखा है, कहीं ना कहीं वो नदी नाले और नाली में तब्दील हो गई। अब उस नदी को एक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, आपका कार्य क्षेत्र है, आप उस कार्य क्षेत्र में आपने देखा भी, बड़ी सजगता आपने उस कार्य में दिखाई भी, क्योंकि ये जनभागीदारी से कार्य संचालित किया जा रहा है। क्या लगता है, आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच आप रहे, आपने सिंगरी मामले को लेकर कहीं ना कहीं आपकी डिबेट्स भी हुई, चर्चाएं भी हुई, तो क्या लगता है क्या जनता का क्या रुझान है सिंगरी नदी की सफाई और उसके गहरीकरण अभियान को लेकर?
सबसे पहले तो आप व्यक्तिगत रूप से आदरणीय मदन तिवारी जी और आपके सभी साथी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि सिंगरी नदी के बारे में ये जो पुल ऊपर जो बना हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको बॉम्बे पुल कहा जाता है। ये इसके आसपास के जो लोग बसे लोग हैं उनको पिछले 4 सालों में भी और इसके पहले की जो मेरी यहाँ पे पोस्टिंग थी इंस्पेक्टर, मैंने देखा कि बारिश आने के पहले ही वो विचलित हो जाते थे कि अब बारिश का पानी आ जाएगा, बाढ़ का पानी आ जाएगा और इस प्रकार का हो जाएगा। 27 किलोमीटर जहां से उद्गम है सिंगनी माता जी का, एक तो सिंगनी नदी को सिंगनी माँ का नाम देकर आपने बड़ा उपकृत किया यहाँ के लोगों को और अपनी एक भावनाओं का प्रदर्शन किया, जो ये बताते ना कि इतनी नदियां यहाँ माता को, इतना ममता है यहाँ लोगों में कि नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, तो हम लोग सिंगरी नदी को भी माता कह के बुला रहे हैं। लोगों में अत्यंत धनात्मक प्रतिक्रिया है, वो बहुत प्रसन्न है। जब भी यहाँ पे जेसीबी मशीनों से सफाई का कार्य होता है, भारी तादाद में लोग वहां इकट्ठा होते हैं और हम लोग भी वहां जाके देखते हैं, तो इसका जल संवर्धन के लिए बहुत अच्छी बात है। जल उसमें आएगा पानी सिंगरी नदी में, और यहाँ का जिलाधीश महोदय भी यहाँ के बढ़ चढ़ के उसमें आपकी आपके सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा विषय। इसी प्रकार नरसिंह तालाब को भी आपने उसको भी पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारंभ किया है। ये दोनों ही काम बहुत अच्छे हुए हैं और मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ उन लोगों जो इसमें संलग्न है, और अत्यंत बिल्कुल हृदय की अधिकतम गहराई से मैं उनका उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये कार्य में सफल हो और सिंगरी नदी भी एक बहुत अच्छा स्वरूप ले माँ सिंगरी और लोगों को यहाँ उपलब्ध करें अपने जल से, और इसी प्रकार नरसिंह तालाब में भी की भी व्यवस्थाएं अच्छी सुदृढ़ हो जाए। ये दोनों मेरी भी मनोकामना ऐसी है, मेरी शुभकामनाएं भी है और आपको साधुवाद भी। सर तो ये माना जाए कहीं ना कहीं कि 31 अगस्त 2017 की रात्रि 12 बजे के बाद हमारे एक एनजीओ पी जन सेवक के रूप में जल संवर्धन के लिए और पर्यावरण के लिए अपनी निश्चित रूप से आज भी जल संवर्धन, जनसेवा और जनता का साथ आज भी है और जीवन पर्यंत, ये बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि जनता की सेवा करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे और जितना बन पाएगा, जितनी शक्ति होगी ईश्वर की तरफ से प्राप्त होगी, उस सबका उपयोग अच्छे कार्यों में सत्कारों में लगा जाएगा। आज हमारे बीच थे हमारे नरसिंहपुर के एसडीओ पे श्री नरेश शर्मा जी। उन्होंने अपने विचारधारा, अपने सोच और जो उनके द्वारा 35 साल के पुलिसिया कार्यकाल में उनकी जो कार्यप्रणाली रही उससे सबसे खुले तौर पर अवगत कराया आपको। वहीं नरसिंहपुर जिले में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कार्रवाई हो रही है उन पर भी, और सामाजिक बुराई वाली जो चीज है उनको कैसे रोका जाए, क्या और नरसिंहपुर जिले के बारे में अच्छे से अच्छा किया जाए, इसको लेकर आज हमारे स्टूडियो में आए, हमसे चर्चाएं की, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद आपके।